हाय फ्रेंड्स, अभी हम हमारे वीडियो का पार्ट टू बताएंगे। कल मैंने आपसे एक रेसिपी शेयर की थी कि घर पर ही हर्बल शैम्पू कैसे बनाया जा सकता है। अब रात भर हमने उन सभी इंग्रेडिएंट्स को भीगने दिया था, और भिगोने के बाद अभी मॉर्निंग में अभी हम उसका हाल देखते हैं क्या है। ये जो ढकी हुई प्लेट है, मैं इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये ऐसा है। ओके, इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने मेरे पहले के वीडियो में बता दी है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं वो आपको बताऊंगी। इसे आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए अपने हाथों से। ओके, इसके अंदर शिखकाई और बहुत सारी अनियंस, मेथी दाना और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत आपके बालों को नरिश करती है, आपके वाइट बाल नहीं होने देती है, ग्रे बाल नहीं होने देते हैं, एंड हेयरफॉल, डैंड्रफ, हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत ही वंडरफुल एंड इफेक्टिव रेमेडी है। मैं तो कहती हूँ बाहर के शैम्पू जो है वो एज अ स्लो पॉइजन काम करते हैं आपके दिमाग पर, आपके बालों पर, और जिसके वजह से आपको समझ में भी नहीं आता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ये देखिए, इसे हम निकाल कर साइड में रख देंगे। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे अकाउंट पर जाइए। वैसे मैं यू सी न्यूज़ पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी शेयर कर रही हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स के नाम से आप वहाँ सर्च करिए और मेरे आपको आर्टिकल्स वहाँ मिलेगी। उधर भी बहुत ज़्यादा 50,000 के ऊपर फॉलोअर्स हो गए हैं मेरे। तो देखिए, ये ऐसा हो गया है। ओके, दिखने में तो ब्यूटीफुल नहीं है लेकिन बालों को काफ़ी ब्यूटीफुल बना देगा आपके। इसके बाद हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे। ओके, और एक कांच का ग्लास ले लिया है हमने और इसे हमें बस स्ट्रेन करना है। ओके, ऐसे करती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे स्ट्रेन करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। ओके, और आप मेरी कढ़ाई के ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिखकाई और इन सभी चीजों में क्लिंजिंग पावर कितना ज्यादा होता है। इनफैक्ट शैम्पू से ज्यादा क्लीन करता है। ये देखिए, मेरी कढ़ाई पूरी की पूरी काली थी और ये देखिए कितना कितना अच्छा हो गया, साफ हो गया, क्लीन हो गया। हालांकि लोहे की कढ़ाई है, इसे आयरन मिलता है हमारे बालों को और वो काफी अच्छा रहता है, इसीलिए लोहे की कढ़ाई यूज की जाती है, लेकिन बहुत जल्दी ये रस्ट पकड़ लेता है। लेकिन ये सब इंग्रेडिएंट्स की वजह से मेरी कढ़ाई पूरी गोरी गोरी हो गई है। तो इसी तरह से आप अपने बालों के लिए इस क्लींजर को यूज कीजिए। बालों पे बस डाल के अच्छे से मालिश करके पानी से धो लीजिए और इससे आपके बाल बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। ओके, बाय बाय।